हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द इंजीनियर एडवाइस चैनल में। जैसे कि हम BMS सिस्टम की बात कर रहे थे, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे थे, तो उसमें मैंने पहले की वीडियो में आपको सारे जितने भी बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिस्टम्स होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, उनके बारे में बता चुका हूँ। आज हम बात करेंगे चिलर की। तो जैसे कि देख रहे हैं इस बिल्डिंग में जो है तीन चिलर हैं, ये थ्री चिलर हैं, 1, 2, 3, और ये चिलर जो है वो टाइमिंग के हिसाब से चलते हैं। हम इसका टाइम सेट करते हैं 8-8 आवर्स, उसके अकॉर्डिंग ये चलते हैं चिलर्स, ये अपने आप ही स्विच हो जाते हैं चिलर्स। तो मैं आपको इसकी सेटिंग बता देता हूँ बेसिक, और उसके बाद चलिए इसकी पहले बेसिक देख लेते हैं। जैसे कि आप सेटिंग देख लेते हैं, जैसे कि यदि आप देख लो सिस्टम ऑपरेशन, यहाँ पर एक रिसेट का बटन है और चिलर टेम्परेचर सेट पॉइंट। तो रिसेट जब करते हैं, जब चिलर जो होता है ट्रिप हो जाता है या कुछ होता है, तो उस कंडीशन में हम इसको चेक अनचेक कर देते हैं रिसेट पे। और चिलर सेट पॉइंट जो अभी 8.5 डिग्री का हमने चिलर को सेट पॉइंट कर दिया है, इससे ऊपर ही हमारा जो होता है, इससे अगर नीचे जाएगा तो हमारा चिलर ऑटोमेटिकली चल जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे इधर तीन चिलर हैं, ये आप इधर देख लेते हैं, इनके स्टेटस में देख लेते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे चिलर 1, चिलर 2, चिलर 3, अभी हमारा जो है वो चिलर 1 चल रहा है। इधर ग्राफिक्स में भी चलते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, मगर ये चल रहा है। तो चिलर रन स्टेटस, चिलर 1 रनिंग, चिलर ट्रिप स्टेटस नॉर्मल, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन में, CMD स्टॉप, BFV स्टेटस ओपन, इसका वाल्व जो है वो ओपन है। चिलर रन आवर्स, इतने आवर्स चल चुका है ये। फिर इसका जो है वो ये सप्लाई वाटर है और एक रिटर्न वाटर है। ये ST जो होता है वो सप्लाई वाटर है, उसका टेम्परेचर सप्लाई वाटर का 7.3, और जो रिटर्न वाटर है वो है 8.5। तो ये देख रहे हैं, बाकी दोनों चिलर जो हैं वो स्टॉप हैं, और एक ही चिलर हमारा चल रहा है वो रनिंग कंडीशन में। तो ये चिलर जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो स्विच हो जाते हैं टाइमिंग के हिसाब से, इनकी टाइमिंग दे रखी है। ऐसे ही जो चिलर में जो है चिलर के अंदर जो वाटर को सर्कुलेट करते हैं वो तीन पंप ये हैं, किसी पंप जो है वो वाटर को सर्कुलेट करेंगे या वाटर को पहुंचाएंगे चिलर के अंदर तक। तो इसमें भी एक चिलर जो है वो एक जो है पंप जो है वो चल रहा है, इनकी भी टाइमिंग है, एक बंद हो जाता दूसरा चलता, दूसरा बंद होता तीसरा चल जाता, वो टाइमिंग के अकॉर्डिंग है। अगर ये भी ट्रिप हो जाता तो इसमें भी एक रिसेट का बटन यहाँ दे रखा है, ये देखिए सिस्टम ऑपरेशन में। और फिर ये पम्प 1, पम्प 2, पम्प 3, ये तीनों अनेबल ही करके रखते हैं हम, ये ऑटोमेटिकली अपने प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो तीनों नॉर्मल कंडीशन में है, और जैसे कि आप देख रहे होंगे ये कमांड है, फिर ट्रिप स्टेटस है नॉर्मल है, फिर नो वाटर फ्लो, ऐसे नो वाटर फ्लो का कोई नहीं है। फिर कमांड स्टेटस जो है वो इसमें जो है पहले वाले में, दूसरे वाले में इनएक्टिव, क्योंकि ये अभी चल नहीं रहे, तीसरा वाला चल रहा है, तो इसमें कमांड स्टेटस तीसरे में जो है वो एक्टिव है। रन आवर जो है इनका इतना है। इधर देख लें, अगर पंप रन टाइम सेट पॉइंट 2 आवर्स का, यानी कि एक पंप जो है वो 2 घंटे चलेगा और 2 घंटे के बाद दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। अब पंप डिमांड बाई ऑपरेटर, अभी हमने एक पंप सेट कर रखा है, यानी कि एक टाइम में एक पंप चलेगा, और यहीं पे हम 2 कर देंगे तो यहाँ पर 2 पंप चलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग है, हमारी कितनी डिमांड है। अगर हमारे 2 चिलर चल रहे हैं तो हम 2 पंप भी कर सकते हैं, 3 चल रहे हैं तो 3 चल रहे हैं। अभी 1 चिलर चल रहा है तो हमारे 1 पंप हमारा चाहिए हमें उसके लिए। तो दोस्तों ये तो था चिलर के बारे में, और मैंने इसके आपको ग्राफिक्स भी बता दी, सेटिंग भी बता दी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपने हमारी पहले की BMS सिस्टम की, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम की वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका लिंक दे दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आगे भी हम ऐसी वीडियो देते रहते हैं, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। थैंक यू सो मच।